राधिका और आशीष ने अपनी बेटी पूजा की शादी बहुत धूमधाम से की थी, पर अब पूजा को उसके ससुराल वालों ने दहेज की वजह से घर से निकाल दिया था। वो अपनी 6 महीने की बच्ची के साथ मायके में ही रहा करती थी। पूजा, घर में तो मनमुटाव होते ही रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम घर छोड़कर आ जाओ। माँ, मुझे रोज दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, आए दिन मुझसे पैसों की मांग की जाती थी, तो आप ही बताओ मैं कब तक उनकी मांगों को पूरा करती रहती, आपको और पापा को कब तक पैसों के लिए बोलती। ऐसे गृहस्थी नहीं चलती पूजा, औरत जात को तो झुकना ही पड़ता है। माँ, अगर कोई और बात होती तो मैं झुक भी जाती, लेकिन ये तो दहेज का मामला था। अगर इनकी मांगों को मैं इसी तरह से पूरा करती रहती तो तुम लोग सड़क पर आ जाते। हम लोग सड़क पर आ जाते तो कोई बात नहीं, कम से कम तेरा घर तो बचा रहता। माँ, मैं अपने घर को बचाने के चक्कर में आप लोगों को सड़क पर आने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। राधिका पूजा को रोज जताती थी कि उसने घर छोड़कर गलती की है, और ये सब उसके पिता आशीष देखा करते थे, पर वो कुछ नहीं कहते थे। एक दिन उनसे रहा नहीं गया, जब पूजा उदास होकर पार्क में बैठी थी तो आशीष उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। रोज मैं तो माँ बेटी की बातें सुनता हूँ। राधिका का ये मानना है कि घर में लड़कियाँ बैठी हुई अच्छी नहीं लगती, उसकी सोच पुराने लोगों जैसी है। मुझे तो उससे कोई शिकायत नहीं, जो तूने किया वो अच्छा ही किया, पर ये बात तेरी माँ नहीं समझती। आप ही बताओ पापा, मैं क्या करूँ? हमने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, क्या इसी दिन के लिए? पापा, मैं समझी नहीं। तू इतनी पढ़ी लिखी है, तू एक अच्छी जॉब कर लेना और सबका मुंह बंद कर दे। आए दिन तेरी माँ को तेरी वजह से पड़ोसियों से सुनना पड़ता है, इसी वजह से उसका दिमाग भी खराब रहता है। अगर तू अच्छी जॉब करेगी तो कोई भी बोलने के लिए आगे नहीं आएगा। हाँ पापा, मैं कल ही जॉब के लिए अप्लाई करूँगी। पूजा अपनी डिग्रीज को हाथ में थामे कंपनियों में जॉब की तलाश के लिए निकल पड़ती है, पर कोई भी उसे डिवोर्स की वजह से नौकरी नहीं देता, तो कोई उसे छोटी बच्ची की वजह से नौकरी नहीं देता। वो चारों तरफ से धक्के खाकर बैठ जाती है। वो फुटपाथ पर बैठे सोच ही रही होती है कि उसकी नजर एक चाय वाले की दुकान पर पड़ती है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, सबका मुंह कैसे बंद करूं। नौकरी की तलाश में निकली हूं पर नौकरी नहीं मिल रही। घर पर जाती हूं तो सुनने को मिलता है शादी अब रही नहीं, बच्चे को पालू तो कैसे पालू। वो ये सब सोच ही रही थी कि एक तेज रफ्तार से गाड़ी आती है और उसको कुचलकर चली जाती है। उस एक्सीडेंट में वो अपना एक पैर गंवा बैठती है। हॉस्पिटल में जब उसे होश आता है तब वो सोचती है, एक तो मेरे पास वैसे ही कुछ नहीं था और अब मैं अपना पैर भी गंवा बैठी हूँ, इस लंगड़ी को भला कोई क्यों नौकरी देगा। पूजा इसी तरह से परेशान रहा करती थी। एक दिन घर में उसकी माँ नहीं थी और उसके पापा थके हारे जब घर पर आए तो सिर पकड़कर बैठे हुए थे। पापा की ऐसी हालत देखकर वो एक पैर पर चलती हुई अपने पिता के लिए चाय बनाने के लिए खड़ी हो गई। पूजा, तेरे हाथों में तो जैसे जादू है, तेरे हाथ की चाय पीकर तो मेरे सिर का दर्द ही भाग गया। सुबह से सिर का दर्द बंद नहीं हो रहा था, दवाई भी ले ली, आराम भी कर लिया, पर जैसे ही तेरे हाथ की चाय पी खुद को तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। पापा, आपकी इन बातों से मेरे मन में एक विचार आया है। हाँ बेटा, बोलो। पापा, अगर आपको सच में मेरे हाथ की चाय में जादू नजर आता है और अगर मेरी बनाई हुई चाय हर थकान को मिटा देती है तो मैं चाहती हूँ कि बोलो बेटा, तुम झिझको मत और बताओ क्या बात है। पापा, मैं अब आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं खुद आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। मैंने डिग्रियों को लेकर सभी कंपनियों में धक्के खाए पर किसी ने भी मुझे नौकरी नहीं दी, और अब तो मेरी ऐसी हालत है तो क्यों ना मैं एक बड़ी कंपनी के बाहर चाय का स्टॉल लगा दूं,
पढ़ी लिखी हूँ तो इस चाय के स्टॉल के माध्यम से बिजनेस कर सकूंगी ना। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए। इस काम से तुम्हें दो फायदे होंगे, एक तो तुम्हारी चाय की खूब बिक्री होगी, दूसरा तुम्हारी मुलाकात कुछ अच्छे लोगों से भी होगी जो तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकेंगे। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था, अब घर की बेटियां भी चाय की ठेली लगाकर घूमेंगी। पर इसमें बुराई क्या है? पर इसमें अच्छा ही क्या है? घर पर भी तो लड़कियां चाय बनाती है ना, तब तो उनसे कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि ये कहा जाता है कि जाकर चाय बनाओ और रोटी सेको। घर की बात और है और बाहर की बात और है। राधिका को पूजा का चाय का स्टॉल लगाना पसंद नहीं आया, वो इसकी इजाजत नहीं देना चाहती थी, पर पूजा थी कि अपना मन बना चुकी थी। पूजा एक बार फिर से सोच लो, जो तुम कर रही हो ना वो बिल्कुल सही नहीं है। कभी देखा है किसी लड़की को चाय बेचते हुए? अरे और भी बहुत से काम है ना। माँ मैंने ठान ली है, बस अब चाय ही बेचनी है। बेटी इस बच्ची के बारे में तो सोच, तू दिन भर चाय बेचेगी तो ये तेरे बिना कैसे रहेगी? माँ आप फिक्र क्यों करती हो, इसको तो मैं हमेशा अपने साथ ही रखूंगी, एक यही तो मेरा सहारा है, आप बेफिक्र रहिए। तू हमारा नाम बदनाम करेगी और कुछ नहीं। पूजा अपना सामान लेकर एक कंपनी के आगे चाय का स्टॉल खोल लेती है। अरे यार आज तो बहुत थका दिया बॉस ने, एक कप चाय मिल जाती तो मजा ही आ जाता। हमारी कंपनी के आगे एक चाय वाली बैठती है, बेचारी एक पैर से अपाहिज है, फिर भी अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर चाय बेचती है, फिर तो उसके पास जाकर चाय पीनी होगी। दोनों उसकी स्टॉल पर चाय पीने के लिए जाते हैं, जहाँ पर बहुत भीड़ लगी होती है। वहीं पर एक रिपोर्टर भी आया हुआ होता है, जो पूजा की चाय देखकर उसका इंटरव्यू लेता है। आप इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी एक छोटा सा चाय का स्टॉल लगाकर क्या साबित करना चाहती है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाय का स्टॉल छोटा है या बड़ा, फर्क बस इससे पड़ता है कि चाय कैसी है। आप मेरी चाय पीकर तो देखिए साहब जी। वो तो आपकी स्टॉल के आगे लगी भीड़ से ही पता चल जाता है। आपने चाय का स्टॉल लगाने का फैसला क्यों किया, जबकि आप इतनी पढ़ी लिखी है? मैं एक आत्मनिर्भर महिला बनना चाहती थी और इससे अच्छा और कोई उपाय मुझे सूझा ही नहीं। हर कोई आज की थकी हुई जिंदगी में एक कप चाय जरूर पीना चाहेगा, और मैं उनकी थकान को मिटाने की कोशिश करती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की अच्छी से अच्छी कंपनियों में जॉब की तलाश के लिए, पर किसी भी कंपनी ने मुझे जॉब नहीं दी। हताश होकर मुझे अपना बिजनेस करना पड़ा। तो देखा दोस्तों, ये है आत्मनिर्भर भारत की सशक्त महिला। कैमरामैन दीपक पाल के साथ विटी 9 रामपुर। पूजा ने अपाहिज महिला होने के बावजूद चाय बेचकर ये साबित कर दिया कि हौसले बुलंद हो तो मंजिलें अपनी आप मिल जाती हैं। आत्मनिर्भर पूजा चाय बेचकर अपनी बेटी को पढ़ा रही है और खुशी से जी रही है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।